लोगों के बीच में गीत के माध्यम से पूर्वांचल के एक ऐसे बहादुर साथी के विषय में हम बताने जा रहे हैं, एक ऐसे जाबाज जवान के विषय में बताने जा रहे हैं जो गरीबों दुखियों के ऊपर जब जब संकट आता है मेरे साथी तन मन धन से उन गरीबों मजलूमों की मदद करने का काम करते हैं। इसलिए हमारा कहना है पूरे पूर्वांचल में हल्ला है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है। अरे अखिलेश यादव और सपा पहचान है, अखिलेश यादव और सपा पहचान है, रमाकांत यादव पूर्वांचल की शान है, रमाकांत यादव पूर्वांचल की शान है, रमाकांत यादव पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है। सबसे बड़ी बात है मेरे साथियों, नेता तो तमाम हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से माननीय रमाकांत यादव जी चार बार विधायक रहे, चार बार सांसद रहे। इसलिए हमारा कहना है क्यों दीन दुखी जब जब संकट में आते हैं, ये भैया दीन दुखी जब जब संकट में आते हैं, अरे रमाकांत यादव को द्वारे पाते के तो कृष्ण भगवान है, अरे रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान साथियों। चाहे वो सांसद रहे, विधायक रहे तब भी, और सांसद नहीं रहते हुए भी तमाम गरीबों के बच्चों को पहलवान बनाने का काम करते हैं, शिक्षा दिलवाने का काम करते हैं और पाखंड से दूर रहने की बात करते हैं। जय भारत के नौजवानों, आजमगढ़ पूर्वांचल के साथियों, जागो और पाखंड को छोड़ो और साथ ही साथ शिक्षा लो, पढ़ाई लिखाई करो, विद्यालय में जाओ, अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात, पिछड़ा दलित जब जब संकट में होता है, हिंदू मुसलमान जब जब संकट में होता है, तो रमाकांत यादव जी तन मन धन से उसकी मदद करने का काम करते हैं। इसलिए कहना क्या, अरे देते यह संदेश है भाई भाई के, देते यह संदेश है भाई भाई के, अरे आदम्बर के छोड़ा करा पढ़ाई के, देते हैं संदेश भाई भाई के, आदम्बर को छोड़ा करा पढ़ाई के, देते हैं संदेश है भाई भाई के, आदम्बर को छोड़ा करा पढ़ाई के, अरे बाबा साहब भी मरा जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है।
उमाकांत यादव जी ने जंग ठाना है, ऐलान किया है कि मेरे साथी पाखंड से दूर रहिए। नौजवान साथियों चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, आप एक काम करिए, किन पाखंडियों के पाखंड में मत पड़िए, रक्षा पक्षा और कंठी माला के जाल में मत फंसिए, पूजा पाठ बंद करिए, स्कूल में जाकर के विद्यालय में जाकर पढ़ने का काम करिए। इसलिए हमारा कहना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का ऐलान करते हैं और इन पाखंडियों से दूर रहने की बात है मेरे साथी, तब हमारी आपकी भलाई होगी। अगली लाइन में कहना है रमाकांत यादव की खुली चुनौती है क्या, इनके रहते घर गरीब को सताए तो ईंट का जवाब पत्थर से पाएंगे, इनके रहते गरीब को घर सताए सामंत के लिए तूफान है, अरे पूंजीपति सामंत के लिए तूफान है, भैया रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी पूर्वांचल की शान है, रमाकांत जी रमाकांत यादव जी को सभी लोग जानते हैं, पूरा पूर्वांचल जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। जब किसी गरीब को भयंकर बीमारी होती है मेरे साथी, जब कोई साथ नहीं देता है तो रमाकांत यादव जी अपने दम से उस गरीब आदमी की दवा करने का काम करते हैं। गरीबों की बेटी की शादी में मेरे साथियों हर तरह से मदद करने का काम करते हैं। नौजवानों की पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे उनकी दवाई का मामला हो, साथ ही साथ रमाकांत यादव जी का ऐलान है कोई भी गरीब बाप का बेटा, कोई भी गरीब बाप का बेटा डॉक्टर इंजीनियर और कलेक्टर कप्तान बनना चाहता है, प्रवेश परीक्षा पास कर ले जाए, इसके बाद जितना खर्च लगेगा जितनी भी व्यवस्था होगी रमाकांत यादव दे करके अपने दम पर उस लड़के को कलेक्टर डीएमएसपी और इंजीनियर डॉक्टर बनाने का काम करेगा और करते भी हैं। इसलिए हमारा कहना है मेरे साथी आखिरी लाइन में समाजवादी पार्टी साइकिल चलाएंगे, समाजवादी पार्टी साइकिल चलाएंगे, अखिलेश को 22 में सीएम बनाएंगे, समाजवादी पार्टी साइकिल चलाएंगे, अखिलेश